ਕਜਾਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। मेरी नहीं, इस चुनाव में जीत आपकी थी। मैं जब उन कार्यकर्ताओं की तरफ देखता हूं जिन्होंने इतना काम, इतना समय अपने परिवार का छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर इतना समय मेरे लिए लगाया, तो मैं एक बार यकीनी तौर पर कह सकता हूं, मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन मैं आपके इस कर्जे को अदा नहीं कर पाऊंगा। कितनी भी मैं कोशिश करूँ आपके लिए हुए समय को मैं समझदा कि अकाली दल जिहड़ा हैगा, जिस तरीके नाल दिल्ली दे विच एक तो बाद एक जित हो रही है, रजौरी गार्डन च अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, सर मनजिंदर सिंह सिरसा इतिहास कायम किया है। बाय इलैक्शन कभी जिहड़ी सरकार होवे उह हारदी नहीं, उह हारन तों तो छड्डो दूजे नंबर ते आ जांदी, दूजे नहीं उह तीजे नंबर ते आई जमाना जब्त होई झाड़ू पार्टी दा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की चोणा उस तो महीना पहले हुई, 46 सीटा से सारिया सीटा से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए, 0-0 जमानत जबत करा के पाए। सो मैं समझना कि मनजिंदर सिंह सिरसा की इतिहासिक जित हुई है और अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एक इतिहास रचिया और सारे हिंदुस्तान हौली हौली तुम देखोगे। और 2019 जिहड़ियां चोणा आनिया ने पार्लीमेंट दियां, उहदे विच क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन करे। विधानसभा के अंदर बाई इलैक्शन के अंदर रिकॉर्ड बढ़ाया और खास तौर पर झाड़ू वाले की जमानत जबत कराई है, यदि मैं उन्होंने बधाई देना आया। तो जो नतीजे आएंगे वो तुम देखना क्लीन स्वीप होएगा और बीजेपी घट तो घट 250 सीटा लैके जाएगी। जी रजौरी सीट है जो जीती है ना, तो वो फर्क पाया पड़ोस में भी, उधर भी पाया फर्क, क्योंकि उत्थे झाड़ू वाले की जमानत जब्त हुई, तो जमानत जबत का असर लोगों वाकियों से भी पाया भी झाड़ू वाली पार्टी आ ये नगलैक्ट करती लोगों ने, क्योंकि इन्हें झूठ थोड़ा बोलिया, लोगों ने कुफर तोलिया, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने लोगों को गमराह किया, इस करके उन्होंने उन्हें वोटा नहीं पाइया, उन्हें नहीं पड़ी जीतियाँ पाया उन्हें पैनिया चाहिए वो पाइया नहीं उन्होंने। इस करके मैंने ये लगता कि यह चोणा जी बड़ी शानदार जित प्राप्त करेंगे जिस तरह का असर रुझान देखें।